हाय गाइस, बैक टू माय चैनल। मैं आज जानवी फिल्मी ब्लॉग में आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोपहर का टाइम हो चुका था और मैं जो मैंगो शेक बनानी थी तो बहुत बड़े बड़े आम था और अभी बहुत अच्छी आम आ रही है, तो मैं यहाँ पर मैंगो शेक बना रही हूँ। और अभी के आम जो है ज़्यादा रेड नहीं, कलर वाले नहीं आ रहे हैं और हल्की पिंक में आ रहे हैं और कलर ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो आपको जो है दिखने में ज़्यादा डार्क लग रहे हैं, लेकिन डार्क नहीं है, हल्का गुलाबी टाइप में ही है जैसे कि आम। और मैंगो शेक के लिए बहुत अच्छी आम है, क्योंकि देख सकते हो इस ऐसे ही आम होना चाहिए मैंगो शेक के लिए। और तो ज़्यादा मिठास नहीं है, लेकिन फिर भी हम चीनी डालेंगे तो मिठास हो जाएगी। और यहाँ पर जो है सारे आम निकाल लिया है, तो मिक्सी जार में मैं पीसूंगी, क्योंकि ये जार मेरे मिक्सी वाले बहुत पुरानी है लेकिन अच्छी चल रही है, तो मैं इसी को चलाऊंगी, दूसरी नहीं ले रही है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरे डाल दिया है, तो उसके पास जो है अब मैं दूध डालूंगी 2 गिलास, ये बहुत ठंडे वाले हैं। और यहाँ पर है अब मैं चीनी डालूँगी, चीनी मैं ज़्यादा लूँगी, मेरे को जो है इसमें मिठास बहुत कम है आम, तो चीनी तो मुझे ज़्यादा ही डालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें मैट हो जाएगी। अगर आप लोग के पास बट पीसा हुआ है तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए अब जो है बिल्कुल ठीक हो गया, कितनी अच्छी बन के रेडी है, लेकिन कलर उतना जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे थे तो उतना कलर नहीं आया है। दोनों गिलास में डाल दिया है, और स्टील के गिलास में मैं लड्डू के भोग के लिए अलग ही उसकी रहती है बर्तन, तो उसमें मैं भोग लगाऊंगी। और मैंने भी काजू जो है नहीं काटा है क्योंकि वो जूठे हुए पड़े हैं, हम लोग खाए हुए हैं, तो मैं अलग इसके लिए रखती हूँ, तो ख़त्म हो गया है, उसके लिए लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने बादाम रख दिया डेकोरेशन के लिए, और अगर पीस भी सकते हैं साथ में तो और अच्छी लगती है, तो मैंने जानवी नहीं पी तो उसके लिए प्लेन निकालनी पड़ती है। उसके बाद मैंगो शेक पी लिया था, तो हमने यहाँ पे खाना भी बना दिया था, और यहाँ पे बनी थी दाल, मिक्स दाल था और खाना रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे दाल बनी है, चावल बनी है और सलाद है और अचार रहेगी बस, फिलहाल यही सब्जी बन था तो नहीं बनाई थी मैंने जल्दी में। और यहाँ पे सब तो यहाँ पे खाना बन गया था, तो मैंने लड्डू की भोग लगाऊंगी और राधा की सबकी, क्योंकि इनको भी खाना खिलाना है, तो यहाँ पे मैं सारे बच्चों को भोग लगा दूंगी। और इनकी तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी भोग लगती है तो नहीं दिखाई जाती है, तो काफ़ी बार मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन कभी कभी इसलिए मैं दिखाती हूँ कि किसी की मैं बनाती हूँ ना, तो इसलिए क्योंकि कभी किसी को विश्वास ना होता है कि झूठ बोल रहे हैं, यकीन नहीं होता, तो इसीलिए मुझे दिखाना पड़ता है, नहीं तो मैं दिखाना नहीं चाहिए, बिल्कुल तो दिखाना ही नहीं चाहिए। जब भगवान की भोग लगाई जाती है तो बिल्कुल पर्दे में लगाई जाती है, उनकी भोग नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं मजबूर हो जाती इसलिए क्योंकि लोग मानते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते हैं, और इसीलिए मुझे दिखानी पड़ जाती, तो मैं दिखा देती हूँ क्योंकि किसी को विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए कि कहते कितने लग इंसान की करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, इसलिए मुझे करना पड़ा है, तो मैंने दिखा दिया ताकि साक्षात आप लोगों की जो है दर्शन भी हो जाए, यकीन भी हो जाए और विश्वास भी हो जाए। तो यहाँ पे सारे बच्चों की मैंने भोग लगा दिया, पानी पिला दिया, और बस उसके बाद यहाँ पे मासी सास आए थे, सासू माँ बैठी है और मासी सास है, और जानवी आई थी तो बैठी हुई है उसको, और कपड़े वपड़े चेंज किया था, कहीं गई थी, तो और यहाँ पे आए थे, इनके लिए जो है रोटी वोटी बनाया, खाना खिलाया और चाय बनाई थी मासी सास के लिए। और तो यहाँ पे सारे बैठ के अपना खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और बहुत दिन बाद आई थी मासी सास, तो अच्छा लगता है जब कोई घर पे आए तो उनकी इज्जत कदर करना चाहिए कम से कम। और बहुत दिन बाद आई थी तो बातें भी कर रहे थे और खा भी रहे थे, और क्योंकि काफ़ी दिन बाद मासी जी आई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और मैं इधर पीछे किचन में लगी हुई थी और मासी से मैं बात भी कर रही थी साथ साथ, और क्योंकि मासी अकेले आई थी और लड़के आए थे तो छोड़ करके उनके चले गए थे फिर, और जानवी यहाँ पे बैठ के वो भी खा रही है, और हम पीछे से हम बातें भी कर रहे हैं और मासी के साथ। और जे मासी के साथ जो है ना, वो मैंने सोचा बहू नहीं लाए थे, बहू भी आ जाती भाभी तो उनके साथ भी मुझे मुलाकात हो जाती, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बातें कर रहे थे, खा रहे थे। अब मम्मी भी है, मम्मी की ज़्यादा वीडियो में नहीं लाती हूँ, मम्मी अपना रूम में रहती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है
पुरानी क्लिप हो गई थी, जो फेंकने वाली चीज़ होते हैं उससे हम जुगाड़ बनाते हैं, क्यों ना हम नई लुक दे करके उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे स्टोन मैं रखती हूँ कोई चीज़ के लिए, तो इसकी नई लुक दूंगी, ताकि जो है बेकार चीज़, इतनी महंगी चीज़ चाहे छोटी से छोटी चीज़, 10-20 रुपये की चीज़ खरीदो उसकी बेकार नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं नई लुक देने के लिए देखो स्टोन मैं चिपका रही हूँ, और वाइट वाली मुझे ख़त्म हो गई थी, वो लानी है मैं लाई नहीं थी, जो है उसी से फटाफट से इसकी रेड वाले कलर दे दूंगी, और बहुत जल्दी जल्दी में बन भी जाती है फटाफट, तो गोंद मेरे पास रहते हैं हमेशा, और यहाँ पे मैं फटाफट से बना दूंगी, और चारों पीस की चार कलर दूंगी, ताकि नई लुक आ जाएगी। तो हमें कहीं जाना हो, शादी पार्टी, कहीं फंक्शन या किसी घर उर में जाना है, तो नई लुक अच्छी लगती है। ऐसे तो बाज़ार में बहुत सारे मिल जाते हैं ऐसी क्लिप, और फिर भी हमने चलो घर पे बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, एक नई लुक भी हो जाएगी और दिल करेगा, काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बना के रेडी कर लूँगी। अब मैं बना रही यहाँ पे ऑरेंज कलर की, और ऑरेंज कलर की भी मैं सेम यही लुक दूँगी, थोड़ा सा इसमें चेंज करूँगी रेड या कुछ दूसरी कलर की। तो यहाँ पे गोंद से फटाफट से मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों कलर बना दिया है चारों, देख सकते कितनी अच्छी लगी है, सुंदर लग रही है, चारों चार कलर की है और नई लुक है। तो ये हो गई ना हमारी बहुत नई सी क्लिप बनके रेडी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बेड शीट को देख सकते, ये दुपट्टा था और इसको मैंने नीचे भी झा दिया है, और उतनी अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी जानवी जो है मेरी बेटी पेन चला रही है, वाइट है तो कुछ दाग उग नहीं लगेगी, और ऐसे भी वो पेन नहीं चलाएगी। तो ये मेरी सूट थी बहुत पुरानी और दुपट्टा था, तो इसको मैंने नई लुक दे दिया है और थोड़ा सा, और क्योंकि उसके बाद मैं यहाँ पे मार्केट आ गई थी कुछ ऐसे ही खाने पीने के लिए, और बेटी जीत कर रही थी तो यहाँ पे मार्केट आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो घूम के आ जाते हैं देखते हैं, फिर लेट भी हो गए थे, हमने लेट से गए थे तो यहाँ पे जो है कुछ, तो यहाँ पे बेटी मेरी गोले खा रहे थे, हस्बैंड पॉपकॉर्न खा रहे थे, जब तक मैंने कुर्ती देखने चली गई थी सूट, फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और यहाँ पे मैंने एक कुर्ती लिया था, एक फ्रॉक लिया था, तो ये ब्लैक वाइट में है और ये मुझे 200 की पड़ रहा था, अच्छी है, प्योर कॉटन है, गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छी है, इसकी फैब्रिक भी अच्छी है और प्रिंटेड जो है इसकी मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ले लिया था, और बहुत सारे कलर था मुझे जल्दबाजी में लिया मैंने, चलो ये अच्छी लग रही है। और उसके बाद मैंने जो है कुर्ती लेकर के आई थी उसकी पैंट के साथ, तो वो भी है, और इसकी सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, कपड़े अच्छी है, और ज़्यादा कुछ लाई नहीं थी क्योंकि लेट हो गया था, घर भी आनी थी, और अच्छा लग रहा था, बहुत सारे बिके थे भैया की। और उसके बाद मैंने ये पैंट वाले कुर्ती लेकर के आई थी, ये इसकी फैब्रिक बहुत अच्छी है, उससे ज़्यादा वाइट वाले से सॉफ्ट है और बहुत एकदम मक्खन की तरह है, एकदम बहुत ज़्यादा मुट्ठी में समा जाएगा इस तरीके से कपड़ा, इसकी फैब्रिक बहुत अच्छी है, पैंट के साथ है, मुझे 500 के मिला था और दोनों सेट है, तो इसकी कपड़े बहुत सॉफ्ट है, इतनी है कि गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी के हिसाब से लेकर के आई थी। उसके बाद मैंने अपने लिए सॉक्स लेकर के आई थी, यहाँ पे सॉक्स अच्छी क्वालिटी के लेकर के आई थी। तो गाइज वीडियो यहीं एंड करती, कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।